स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे क्लास थ्री की, वर्कशीट नंबर 126 भी। अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे ईवीएस की, आज की डेट लिखेंगे 6 दिसंबर 2021। ईवीएस वर्कशीट नंबर 126 बी क्लास थ्री की वर्कशीट है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है लुकिंग अराउंड। ओके, तो यूनिट 8 जो है इसका फ्लाइंग हाई, वो सभी बच्चे निकालेंगे अपनी अपनी बुक्स में, अपना नाम लिखेंगे एंड अपना टीचर का नाम लिखना है इधर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बेटा जल्दी से आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल, लाइक करनी है वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पक्षियों को चलते हुए या उड़ते हुए अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखा है? पक्षियों के शरीर की सभी बातें खास होती हैं। किसी के पंजे मजबूत होते हैं, किसी की गर्दन, तो किसी के पैर उन्हें तेज भागने से में मदद करते हैं। सभी पक्षियों के रंग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकतर पक्षी तीन रंग में पाए जाते हैं, जैसे काला, स्लेटी और भूरा। ठीक है, काला यानी कि ब्लैक, स्लेटी होता है ग्रे कलर, भूरा होता है ब्राउन कलर। तो चलिए बच्चों आज पक्षियों की इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। पक्षियों के आवाज़ों को संकेत बॉक्स की सहायता से उनके नाम के साथ अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला देखेंगे, तो पहला है देखेंगे तो पहले है देखेंगे कोयल, है ना, कोयल है इसका नाम। और ये क्या साउंड निकालती है, इसकी आवाज़ क्या होती है, बताएंगे कुहू, 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 है ना बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली पिक्चर है क्या बना हुआ है, ये मुर्गा। तो इधर लिखेंगे मुर्गा, और इसकी क्या आवाज़ होती है बच्चों, कुकड़ू की। कुकड़ू कु। ठीक है, अगला अगला है मोर, मोर की आवाज़ है पीहू। पीहू पीहू। अगला देखते हैं बच्चों, फिर ये है कौवा, कौवा, इसकी क्या होती है आवाज़, काँव काँव। है ना, फिर कौन सा है अगला, ये है कबूतर, कबूतर। ओके, और इसकी आवाज़ होती है गुटर गू। ठीक है, तो बच्चों आपने सीख लिया इनकी क्या आवाज़ें होती है, इनके क्या नाम है, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी दबाना है आपको, वीडियो को लाइक करते जाइए, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कुछ पक्षियों को अपने विभिन्न विशेषताओं के कारण जाने जाता है। ऐसे ही कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। हर पक्षी को उसकी विशेषता के साथ मिलान कीजिए और अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं आपको कौन कौन से पक्षी दिए हैं, बत्तख, उल्लू, शुतुरमुर्ग, तोता, गिद्ध। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। गर्दन घुमाना, ये किसकी होती है विशेषता बेटा, ये उल्लू की विशेषता होती है। ठीक है, अगला
मानव आवाज की नकल करना, ये होता है तोते की विशेषता। ऊंचा उड़ना, ऊंचा कौन सा पक्षी उड़ता है? गिद्ध उड़ता है। ठीक है, चलना, बत्तख चलती है। देन लास्ट क्या है? तेज भागना, शुतुरमुर्ग। ओके बेटा, आपको भी ऐसे ही किसी और पक्षी की कुछ अच्छी विशेषता, कोई विशेषता मतलब पता है आपको उसकी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और आपका फेवरेट पक्षी कौन सा है वो भी ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ पक्षियों के नाम नीचे दिए गए हैं। पक्षियों को मुख्य तीन रंगों यानी कि काला, भूरा और स्लेटी रंगों के आधार पर पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कबूतर, कबूतर कौन से कलर का होता है बच्चा? बच्चों, स्लेटी, स्लेटी रंग का होता है यानी ग्रेश कलर होता है उसका, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, कबूतर कौन सा था? स्लेटी कलर का। कौआ, कौआ तो सबको पता है, काला कौआ। कौआ कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है। गौरैया, गौरैया कौन से कलर की होती है? भूरी भी होती है, स्लेटी से कलर की भी होती है, मिक्स्ड होता है इसका कलर बच्चों। ठीक है, बत्तख, बत्तख स्लेटी कलर की होती है। ठीक है, ग्रेइश होती है, ब्राउन भी होती है, तो आप भूरा भी लिख सकते हैं। ओके, बाज, बाज होता है भूरा, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो बच्चों मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है आपके। पक्षियों की पहचान करवाने के लिए बच्चों को आसपास आने वाले पक्षियों को ध्यान से दिखाइए एवं उपरोक्त गतिविधियों में उनका उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, और बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। घर में उपलब्ध गत्ते, कागजों और पेड़ों के तिनकों की सहायता से पक्षी का घोंसला बनाइए जैसा कि हमने बनाया है, एवं उसे अपने अध्यापक या अध्यापक के साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रकार से बनाया गया है एक घोंसला तिनकों की और ये पेपर की हेल्प से। तो आप सभी को बनाना है, अपने अपने टीचर्स को उसकी पिक्चर भेजनी है, और टीचर्स को दिखाकर आना है या देकर भी आना है। ठीक है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय।